ढूंढ रहे हो? पांच का सिक्का। अपना अंडरगारमेंट कोई ऐसे छोड़ता है कोई? विचार की निशानी छोड़ गई थी है? उसका अचार डालूंगा मैं। सच में किसी का अंडरगारमेंट है यहाँ पे? तो अपने बारे में सोचती हो ना, इसीलिए प्यार का भूखा हूं मैं। तुम्हारे लोगों के लिए सोचते सोचते मर गया लग गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आज आप ज्यादा एक्साइटेड है वीडियो के लिए, तो मैं दोस्तों तभी तो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऐसी वीडियो पसंद है, बनानी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप समझ ही गए ना कि प्रैंक का नाम क्या है। आपको टाइटल पता है कि शी फाउंड अनदर गर्ल्स पैंटी इन माई बेड। बेड तो यह है, पैंटी कहाँ है? पैंटी ये रही कि एक नई पैंटी लेकर आया हूं मैं शॉप से। तो फ्रेंड्स, इस प्रैंक का आइडिया दिया था मुझे एक बाहर के कंट्री के व्यूअर्स ने, जो कि बाहर से रहते हैं दुबई में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, अगर वीडियो में फुल मजे लेने वाले हो तो वीडियो को फुल वॉच करना, कोई भी सीन स्किप मत करना, नहीं तो आपका मजा अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपकी भाभी गई है अपने फ्रेंड के साथ कुछ शॉपिंग वॉपिंग पता नहीं कहाँ करने, मैं जैसे ही ऑफिस से आया वैसे ही चली गई। तो सोचा क्यों ना आते ही उसके दिल पे मैं छुरिया चला दूं, क्योंकि उसने कल मेरे पे प्रैंक किया था ना, आंखों पे पट्टी बांध के मुझे दिखा रही है कि मैं वो मतलब अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है ना। तो बस 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 समझ जाओ, बस वही बदला पूरा होने वाला, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। A few moments later. अरे यार तू कहाँ छोड़ गई थी यार? यार पता नहीं यार कहाँ छोड़ गई यार तू यार। क्या हो गया? क्या हो रहा था ये? कुछ नहीं हुआ यार, मेरी जेब में ना खुले पैसे रखे हुए थे, पांच का सिक्का वो गिर गया। वो पांच का सिक्का वो गिर गया, बस वही ढूंढना हूँ, पता नहीं यार। पांच के सिक्के के लिए इतने परेशान हो रहे, मुझसे ले लो, पड़े मेरे पास। अरे लेने को तो ऐसे मेरे पास नहीं है। तो खरीदने के परेशान हो रहे हो? पांच का सिक्का ये मिल जाएगा, पांच का सिक्का है, किसी के पीठ में गड़ जाए, डुब्बू है, खेले उसको, मुंह में ले ले, कुछ कर ले बात, इसीलिए समझती होनी तुम। ठंड लग रही है यार, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, दिमाग खराब हो गया। डुगू कहाँ है? अभी तक उसको बुलाया नहीं तुमने? वो अपने फ्रेंड के गया, वो इतनी देर से खेल रहा है, कितना टाइम हो गया। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से होके सब्जी तक लेकर के आ गई, हाँ कम से कम 1.5-2 घंटे होने को आ गए, तुम यार उसको नहीं बुलाया तुमने? अरे मैं ऑफिस से आया हूँ, अपना टीवी वगैरह देखने लग गया। पढ़ेगा कब वो? पढ़ाई कब करेगा? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं, मैंने तुमसे बोला था किसको बुला लेना। तुम्हारा फोन ये रहा, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है तो तुम फोन कर लो ना। मैं कर लूंगी, अपना काम करो, इनको सही यहाँ पे लेके आ रही सब्जी को किचन में रखने जाओ, जा। यार ठंड के मारे हालत खराब हो रही है, थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई। क्या ढूंढ रहे हो? पांच का सिक्का। पांच का सिक्का? चलो हाँ ठीक है, मिल जाएगा, तुम जाओ। लाए क्यों जा रहे हो? किचन में जा। किसे कही है क्या तुम्हारी? कुछ नहीं, मैं पांच का सिक्का ऐसे करके देख रहा था। पांच 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 का सिक्का पागल हो गया क्या यार? इतना यार तुम कभी नहीं परेशान हुआ पांच के सिक्के के लिए, पैसे के लिए? अरे यार मुझे डर लग रहा है, वो डुगू खेलता है मेरे फालतू में मुंह में ना। समझदार हो गया, बड़ा है वो, इतना कोई छोटा नहीं है। अब वो कुछ ठंड में हालत खराब हो रही है। चाय पियोगे? हाँ पी लूंगा। क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 minute later। यार सुन तू यार कहाँ छोड़ के चली गई है यार? है अपना अंडरगारमेंट कोई ऐसे छोड़ता है कोई? है
तू यहाँ पे छोड़ दी यार, तब सबसे कही थी कि कोई भी अपनी निशानी मत छोड़ियो, और तू पता नहीं यार तेरा अंडर गारमेंट, तू फोन करके बोल रही है मेरा अंडर गारमेंट रह गया है, ध्यान से देख लेना है। पागल कहीं की, क्यों छोड़ा तूने? अरे यार वो प्यार की निशानी, वो कुछ ताजमहल हो रही है जो तू मेरे लिए छोड़ गई है कि मैं अपनी प्यार की निशानी छोड़ गई थी है? उसका चार डालूंगा मैं। बेवकूफ कहीं की, मेरी बीवी देख लेगी ना, तुझे भी जान से मार देगी, मुझे भी जान से मार देगी। नहीं हद कर दी, कैसे कैसे कलर की थी, मैं तो घर ही नहीं है, ब्लैक कलर की। अरे यार जल सही बता रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर तेरी तेरा अंडर गारमेंट मेरी बीवी को मिल गया ना। मरोगे तो बेटा तुम अब। क्या हो रहा था मेरे पीछे, क्या कर रहा है, किसके साथ मुंह काला कर, किसके साथ मुंह काला करा रहा है, कौन आई थी मेरी पीछे, किसका अंडर गारमेंट की बात हो रही है, किसकी अंडर गारमेंट की बात हो रही है, क्या था बताओ मुझे, कौन आई थी? मैं नहीं बताऊंगा। क्या ढूंढा घुमा के, कौन आया था, कौन आया? अरे मिल तो जाए यार। बेटा भाई क्या सच बताओ, सच में किसी का अंडर गारमेंट है यहाँ पे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या है, क्या है, किसका है, कौन आया था? मैं नहीं बता सकता, तुम नहीं तो अभी मारने चली जाओगी, अभी मार डालोगी। मैं मरी जाऊं ना तो अच्छा है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं क्या करूं, वो बेवकूफ है यार, छोड़कर चली गई, बेवकूफ कहीं की थी तो यार। छोड़कर गई, क्यों छोड़कर गई, ताजमहल है इसीलिए छोड़कर गई, ताजमहल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या कर रहे थे ये, आखिर वो यहाँ पे छोड़ के क्यों गई? मेरी हालत खराब हो रही है, मैं तुमसे बात नहीं। मेरी बात सुनो, वो ऑफिस की एक लड़की थी। चल झूठा, अपनी तबीयत मत खराब करो। तो वो ऑफिस की लड़की घर पर आई थी, घर पर आने के बाद अचानक से उसको वो जो प्रॉब्लम होती है ना लड़कियों वाली, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। बस तो वो उसे हमारे बाथरूम यूज किया, और मतलब उसने जो भी करना था वो किया, और वो गलती से इसको यहीं पर छोड़ गई। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे फोन करना चाहिए था, मुझे बतानी चाहिए थी कोई प्रॉब्लम थी तो। उसने बाथरूम यूज किया था, यहाँ पे ये कैसे रह गई मुझे नहीं पता, वो फोन करके बोल रही थी। इतना तो मैं जानती हूँ नवीन, इतना पागल मत बनाओ मुझे, कोई ये कैसे भूल सकता है कोई। बताओगे कुछ? बताने के लिए बचा ही क्या है, बेशरम आदमी, शर्म कर लो अपनी इस शकल पे, चिल्लू भर पानी में जाओ, डूब जाओ। नाम इतना डुबा कर रख दिया ना, अरे मेरे ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोच लिया करो कि ये औलाद है तुम्हारी, क्या होगा उस औलाद का। ये बहुत ज्यादा यार, गलती कैसे हो गई यार, मैं कैसे बताऊं यार, मैंने यहां तक कि मैंने क्या करूं, मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे, सब कुछ मैंने उसके बैग में डाल दिया था पॉलिथिन में,
मैंने दो दो तीन तीन कॉन्डोम यूज किए थे, वो भी सब मैंने फेंक दिए थे। अरे भैया यार, तीन कॉन्डोम यूज किए थे क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? गर्दन गुस्से में यार, तुम्हारा हाथ कितना टफ हो गया यार, गर्दन ऐसे पकड़ लिया, मर गया, मर गया, लग गई ये, अरे बैड की किलोर लग रही है मेरे, लग गई। झूठ झूठ बोल, झूठ नहीं बोला तुमने? नहीं, इसकी किलोर तोड़ दूंगी, सॉरी, जल्दी बताओ जल्दी। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने ये सब कर डाला, इतना सा शर्म आती है? नहीं आती है? नहीं। इज्जत बेच खाई है तुमने, बेशरम बन जाओ, नंगे घूमो सड़क पर, बेशरम आदमी तुम्हारे जैसा आदमी कोई इज्जत नहीं है। तो यार वैसी थकान हो गई है, अब मैं डिसीजन लूंगी। तो वैसी थकान हो गई है, ये तो है नहीं, इतनी देर से मेहनत करी है कि केसर बादाम वाला दूध पिला दो यार, मैं खुद ही लेने जा रहा हूँ। केसर बादाम का दूध पिलाओ, बहुत ज्यादा जंग जीत के आ रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करे तुमने। वैसे मुझे कोई खांसी नहीं होती मौसम की वजह से। ये क्या, ये क्या खाया तुम लोगों ने? रसगुल्ले खाए। रसगुल्ले भी? रसगुल्ले खाए, वो भी एक ही कटोरी में, एक ही चम्मच से? वो है क्यों? तुम्हें तो मालूम है मुझे हल्का होने के बाद फिर मीठा खाना अच्छा लगता है ना, फिर अच्छा लगता है। इतने खसों के बच्चे क्या काम किए? अब पता पड़ गया है ना, तो कर ले जो तू कर ले तू तू पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। जान से मार दूंगी यार मैं। तू पागल हो गया ना, तू पागल हो गई क्या है? पागल? मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ, तुम्हें लिए परमेश्वर का परमेश्वर, मैं तेरा पति हूँ देवता, मेरा पति मेरा देवता। कलंक तुम ठीक है, तुम्हारा गोबर, तुम्हें तो गोबर गोबर लगा के चप्पल से मर रहा चाहिए तुम्हें। पागल, इसको क्यों ले आई तू, ये गंदी हो रखी है, इस टाइम गंदी है ये। तुमसे ज्यादा गंदा कुछ भी नहीं है अब, ठीक है? सबसे ज्यादा गंदे तुम हो। वो बेवकूफ लड़की ना मेरे को इस पे नाच नाच के दिखा रही थी, वो भी बिना कपड़ों के, बेवकूफ कहीं की। गंदी है ये। मेरे बच्चे की साइकिल भी नहीं चढ़ी, कमीना था। मुझे स्टंट करके दिखा रही थी। ये कह रही थी देखो इस पे सेक्सी मूव करके दिखाऊं। तो छोड़ यार, मैं तुझे कुछ बता नहीं, मेरे घर में बहुत गंदा फैला है, चल निकलो 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 निकलो, तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ पर निकलो निकलो, अपना अपना ताजमहल भी ले जाओ से, चल तुम्हारे तो अब हम सारे पोल पट्टी जमाने के सामने खोलेंगे, निकलो। तो ये नहीं पूछेगी क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ? क्या क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ? क्या क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? किसी चीज का रीजन होता है ना, हर किसी चीज का रीजन होता है। खुद तो बाहर से पकौड़ी चाट के आई है, डकार मार रही है मुझसे, पूछा मैं ऑफिस से आया बाहर है, बाहर से ऑफिस से खुद चली गई, ना चाय की पूछी ना कुछ, मैं भूख नहीं लग रही होगी, खुद तो चाट पकौड़ी खा के आ रही है। अबे साले चला जा, खाने की भूख थी कि किसी और चीज की भूख थी? खाने की भूख थी किसी क्या है? तुम कभी नहीं सोचती मेरे बारे में, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, इसीलिए मैं अपने बारे में सोचती हूँ। मेरे को, मैं भी किसी के प्यार का भूखा हूँ मैं। क्या है ये? मैं अपने बारे में सोचती हूँ। जिंदगी तुम्हारे लोगों के लिए सोचते सोचते ये कर्म करती हूँ, शर्म आई नहीं, शर्म भूत बना दिया मेरा माल। अब ताजमहल ले जाओ उठा कैसे, मैं दे के आ रहा हूँ अभी, ठीक है? दे के आ रहा, कुत्ता शर्म का।
ले भाई मेरे यार, ये भगवान है। हाँ जाओ दो, जाओ निकलो, चला जाओ, निकलो निकलो, मार क्यों रही है, जब जा तो रहा हूँ आराम से, निकलो, घुसने की कोशिश मत करना घर में। नहीं नहीं, इसको दे के वापस तो आऊंगा ना। क्या करनी है, वापस किस लिए आओगे, किसके लिए आओगे, कहाँ जाऊंगा, जाओ जिसके पास जा रहे हो, जाओ जिसको ताजमहल देने जा रहे हो वहीं जाओ ना। नहीं नहीं, उसका जाओ, उसका पति है वहाँ पे, उसके आज कड़ी चावल बनने हैं उसके यहाँ। अच्छा, तो उसके यहाँ कड़ी चावल खाना, उसको ये ताजमहल का दीदार करा देना उसके पति को भी, कड़ी चावल ये आपकी, ये बेगम साहिबा हमारे घर में ना अपना ये ताजमहल भूल गई थी, ये देने आया हूँ, ये लीजिए आपकी अमानत, ठीक है जाओ निकलो 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 जल्दी, नहीं तो सर बार फूट जाएगा, कभी बता रही बहुत दिमाग कर रहा घूम रहा मेरा, निकलो 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 जल्दी निकलो, नहीं तो ऐसा है मैं कहीं नहीं जा रहा, उसके यहाँ कड़ी चावल बनने होंगे, सब उसके मियाँ बीवी बैठ के खा रहे होंगे, आराम से उसके घर में कलेश हो जाएगा। ओ अपने घर में कलेश मच रही तो उसकी चिंता नहीं है, दूसरे घर की कलेश की बहुत ज्यादा चिंता, मेरे घर का जो नरक बना दिया तुमने ताजमहल की वजह से। अरे ये तो सब ये वो अभी जब हम एंजॉय कर रहे थे तब उसके बाद तो वो बेडशीट वगैरह वो अपने हाथों से सब कुछ सही करके गई थी। अच्छा समझ गया समझ गया, ये तो वो ये ढूंढने में खराब हो गया ये तो। अच्छा अभी मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, मेरी नहीं तुम्हारी मम्मी और पापा, वही इसलिए बता रही हूँ। अरे क्या हाथ, किस लिए किस लिए, नहीं नहीं ये जो कर्म किया, छुपने से भी नहीं छुपेगा, छुपने से भी नहीं छुपेगा, अब तो सबको पता पड़ने वाली है, ठीक है। मत कर मत कर भाई, प्लीज मत कर, पौने किसी को मत बता यार, वो गलती से गंदी संदी और वहां पे रख दी मैंने यार, तेरा बैठ गंदा हो। मत कर फोन किसी को यार, या मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार, मैं तो को समझा कर यार, बात जे ना यार, देख तू समझती नहीं है मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह पे ये क्या लगा रही है नन्ना यार, वो बात करते करते लग गई, तेरे को लगा कुछ, अरे नहीं है वो प्रैंक कर रहा हूं मैं, उल्टी वैसे ही उल्टी आ रही है राम, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं है वो प्रैंक करने के लिए लेकर आया था मैं, ऐसे ही उठा लाया। सच में प्रैंक कर रहे हो? सच में नहीं है, नहीं है, किसने कहा नहीं है, मैंने सब टैग निकाल दिए थे पर एक छोटा सा टैग नहीं निकाल पाया। क्या लिख रहा है इसमें पता नहीं, तुम ये भी पहनते हो लेडी सेंटर कर लो, पागल वापस करे आऊंगा मैं, वापस कर क्या होगी, रसगुल्ला तो तुमने खाया, रसगुल्ला ये तो सच्चाई है, रसगुल्ला लेकर आऊं तेरे लिए भी रखे, तू अभी किचन में गई तो तूने भी फ्रिज खोल के नहीं देखा होगा, एक ही चम्मच की कटोरी। तो मैं अकेला था तो अकेला ही तो खाऊंगा ना। हाँ सही बात है, तो फिर पागल यार तू कुछ भी सोचती है यार, तेरे यार आंसू निकला है, तू बाहर से हो रही है दिल यार तेरी नाक, ये नहीं है इससे नाक पहुंच ले तो क्या हो जाए, नहीं है मुंह पे कौन लगाता है इसे। तो दोस्तों वीडियो एंजॉय किया हो तो जरूर लाइक करना, और अच्छे से यार सब्सक्राइबर की तरह जरा थोड़ा रेट फेट बढ़ाओ, जरा सब्सक्रिप्शन की रेट बढ़ाओ है ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, जरा 200K पर पहुंचे तो कुछ नया दावाल करें, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।